समान थाने से चंद कदम की दूरी में दिन दहाड़े हुई लाखों की लूट, बाइक से आए बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। इस समय शहर की कानून व्यवस्था को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी की नज़र लग गई हो। आए दिन कोई ना कोई घटनाएं हो रही हैं, फिर भी पुलिस के हाथ खाली हैं। घटना चाहे लूट की हो या फिर चोरी की, बदमाश वारदात को अंजाम देकर आसानी से निकल जाते हैं और पुलिस उन्हें खोजती रह जाती है, और तब तक बदमाश अपने सुरक्षित स्थान में पहुंच जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगते? मंगलवार को बेखौफ बदमाशों ने समान थाने से चंद कदम की दूरी में फिर एक लूट की घटना को अंजाम दिया, जहां पर बाइक से आए बदमाशों ने लूट का नया तरीका अपनाते हुए गोविंदगढ़ के पाती समिति के सलाहकार के ऊपर कचड़ा फेंक 1.5 लाख से ज़्यादा की रकम लूट कर फरार हो गए। दरअसल पाती समिति के सलाहकार प्रेमलाल पटेल ऋण की वसूली का पैसा जमा करने जिला सहकारी बैंक जा रहे थे। समान थाने के पास वो रुककर किसी को फ़ोन लगाने लगे, तभी शातिर बदमाश बाइक से आए और उनके कपड़ों पर कचरा फेंक दिया। जब तक वो कुछ समझते, बदमाश उनका झोला लेकर फरार हो गए, जिसमें करीब 1,53,000 रुपये रखे थे। पीड़ित ने घटना की शिकायत समान थाने में दर्ज करा दी है। या वहाँ से हम चले साहब पैसा वसूली का लेके पाँची से पूर्वा से, और यहाँ आपकी ये न्यू बस स्टैंड संदरिया के सामने हमारा एक व्यक्ति, वो पैसा जब 1,000 रुपये रह गया था तो वो बोला कि हम वहाँ रीवा में देंगे। वहीं रोड के किनारे हम खड़ा होकर झोले से रजिस्टर निकाले, उसमें मोबाइल नंबर लिखे थे, उससे मोबाइल नंबर देखकर हम एक हाथ में झोला की बर्फी रखे हुए थे, एक हाथ में वही रजिस्टर से नंबर लिखे फोन में उससे संपर्क कर रहे थे। आपका कार्ड पीछे गंदा हो गया, कचरा पड़ा हुआ, तो उसने ध्यान नहीं दिए। हम लोग, हमारा लड़का भी आया, उससे कुछ पैसा ले लिया, तो हम और विक्रेता हमारा है और वो लड़का, तीनों आदमी बैठ कर चल, तो हमारे कार्ड के पीछे तरफ जो कचरा पड़ा था वो हमारे लड़के के सामने कचरा लग गया। तो वो उसके शर्ट में जब कचरा लग गया तो बोला कि बहुत गंदा हो गया, इसको पहुँच, तो वो बोला फिर से एक लड़का कि वो एक गिलास पानी ला के उसको धो लो। तो हम गिलास में उनके ध्यान नहीं दिए, चले गए पहुँचा, तब हुआ हम ले जाके कार में उसके सामने कार्ट उतार है लाडू तो कार देखा हम साफ कर दिए, बैग का वह कार पर रख दिए हैं। जैसे हम गुज के शर्ट का धो गए लागे ना आधा धो पाए, तब मैंने नज़र वहाँ बैग में पड़ी, तो बैग नहीं रहा वहाँ तक, 10 किलो पड़ी रही तो था कि ना वहाँ बैग कहाँ का, सुनते अल्लाह करे लागे बैग में कितनी राशि थी? 1,53,000 रुपये।